दादी, दादी, आप ये क्या पढ़ रही हैं? ये तो भगवद गीता है बेटा। भगवद गीता? वो क्या होता है दादी? भगवद गीता एक ऐसा महान ग्रंथ है जो केवल हमारे हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि विश्व भर के सबसे महत्वपूर्ण प्राचीन ग्रंथों में से एक है। और पता है बच्चों, श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ होता है ईश्वर का गीत। अच्छा, इसमें क्या लिखा हुआ है दादी? भगवद गीता महाभारत का हिस्सा है। तुम्हें याद है ना महाभारत की कहानी? हाँ दादी, वही वाली ना जिसमें पांडवों और कौरवों में लड़ाई होती है? हाँ, वही वाली। महाकाव्य महाभारत में जब भाई पांडव और कौरव हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए आपस में लड़ने वाले थे, तो पांडव राजकुमार अर्जुन युद्ध के मैदान में मोह माया के कारण कमजोर महसूस करते हैं। जब वे अपने रिश्तेदारों, शिक्षकों और दोस्तों को विपक्ष में देखते हैं, तब श्री कृष्ण उन्हें उपदेश देते हैं और कर्म व धर्म के सच्चे ज्ञान से अवगत कराते हैं। श्री कृष्ण के इन्हीं उपदेशों को भगवद गीता कहा गया है। अरे राजू और आशा, तुम गेंद लेने आए थे और यही रुक गए? चलो, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हमारा खेल रुका पड़ा है। बस 2 मिनट, दादी हमें भगवद गीता के बारे में बता रही है। क्या तुम भी सुनना चाहोगे? कहानी? हाँ बिल्कुल, हम भी कहानी सुनेंगे। अच्छी बात है बच्चों, तुम सब यहाँ मेरे सामने बैठ जाओ और मैं तुम सबको भगवद गीता की कहानी सुनाती हूँ। ये! लेकिन कहानी शुरू करने से पहले कैसा रहेगा अगर हम एक खेल खेलें? वाह! अच्छा, तो इस खेल में मैं आपसे इस कहानी से संबंधित कुछ प्रश्न पूछूंगी और आपको 4 विकल्प भी दूंगी। आपको इसका सही जवाब बताना होगा, ठीक है? हाँ। तो आप जानते हैं कि भगवद गीता महाभारत का एक अंश है, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि महाभारत और भगवद गीता किसने लिखी है? आपका पहला विकल्प है ऋषि वाल्मीकि, दूसरा है ऋषि वेद व्यास, तीसरा है तुलसीदास और चौथा विकल्प है भगवान गणेश। दादी, मुझे लगता है इसका जवाब है ऋषि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास के कहने पर श्री गणेश ने ही महाभारत ग्रंथ का लेखन किया। महर्षि वेद व्यास बोलते जाते थे और श्री गणेश लिखते जाते थे। ओ, अच्छा। गीता महाभारत का हिस्सा है। महाभारत दुनिया का एक बड़ा ग्रंथ है। तो बच्चों, आपको पता है भगवद गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जो सभी महत्वपूर्ण हैं। अच्छा, तो ये था आपका पहला सवाल। अब मुझे ये बताओ बच्चों कि महाभारत का युद्ध कहाँ पर हुआ था? आपके 4 विकल्प हैं पाटलिपुत्र, प्रयाग, कुरुक्षेत्र या कन्नौज। सोचो सोचो। महाभारत की लड़ाई तो कुरुक्षेत्र में हुई थी, है ना दादी? शाबाश आशा, तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है। महाभारत का युद्ध हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुआ था। श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, इसीलिए इसे गीता की उत्पत्ति का स्थान कहा जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध में दिया था। ये 18 दिन चलने वाला महायुद्ध भाई कौरवों और पांडवों के बीच हस्तिनापुर का राज्य हासिल करने के लिए हुआ था। गीता में भगवान बताते हैं कि हम कैसे एक उत्तम जीवन जी सकते हैं।
जब भी जीवन में कोई परेशानी या उलझन हो तो गीता में दिया ज्ञान हमें सही रास्ता दिखाता है। जैसे महाभारत में अच्छाई और बुराई के बीच में युद्ध हुआ था, ऐसे ही हमारे मन में भी हमारे अंदर की अच्छाई और बुराई में लड़ाई चलती रहती है और हमें भी पांडवों की तरह अच्छाई का साथ देना चाहिए। ये ज्ञान सिर्फ अर्जुन के लिए ही नहीं बल्कि हम सब के लिए भी है। पर क्या आप सब जानते हैं कि अर्जुन अकेले नहीं थे जिन्हें गीता का ज्ञान सीखने को मिला। उनके अलावा 3 और लोग भी थे जिन्होंने गीता सुनी थी। क्या आप सब बता सकते हैं वो लोग कौन थे? आपका पहला विकल्प है धृतराष्ट्र, गंधारी और दुर्योधन। दूसरा विकल्प है कुंती, भीम और द्रौपदी। तीसरा विकल्प है कर्ण, भीष्म और द्रोणाचार्य। और चौथा विकल्प है संजय, भगवान हनुमान और बर्बरीक। दादी, इसका जवाब तो हमें नहीं पता, आप ही बता दीजिए। इस सवाल का सही जवाब है भगवान हनुमान, संजय और बर्बरीक, जिन्हें भी अर्जुन के साथ गीता का व्यापक ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिला। भगवान हनुमान अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान थे, इसलिए उनको गीता सुनने के साथ साथ महाभारत का पूरा युद्ध भी देखने को मिला। संजय जो राजा धृतराज के सेवक थे और उन्हें महाभारत सुना रहे थे। और तीसरा घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक थे जो एक पहाड़ की चोटी से युद्ध की निगरानी कर रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें भी श्री कृष्ण की परम शिक्षा प्राप्त हुई। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा योग कर्म योग है। इस बंधन से कोई मुक्त नहीं हो सकता और भगवान भी कर्म के बंधन के पाश में बंधे हैं। भगवत गीता खोए हुए लोगों को सही रास्ता दिखाती है, भ्रमित लोगों को जवाब देती है और सभी को ज्ञान प्रदान करती है। इसे दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी आध्यात्मिक किताबों में से एक माना जाता है। व्यक्तिगत रूप से भगवत गीता की शिक्षाओं से बहुत सारे अर्थ निकाले हैं, जैसे क्रोध ना करें, आलस छोड़ें, लालच ना करें, ऊंचे सपने देखें। तो देखा बच्चों कैसे हमने कहां भगवत गीता के निर्माण की पूरी कहानी भी सुन ली। वास्तव में इस शास्त्र में कई रोचक और दिलचस्प कहानियां और तथ्य शामिल हैं जो हमें जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नैतिक मूल्यों का पालन करते हुए जीवन का सार सिखाती है। क्या आप सब ये सारी कहानियां सुनना चाहोगे? हाँ, दादी, हमें सभी कहानियां सुननी है। दादी, मैं तो अभी से ही कहानियों के बारे में सोचकर इतनी खुश हो रही हूँ जो आप हमें सुनाने वाली हैं। भगवत गीता की कहानियाँ बच्चों से लेकर बूढ़े तक सभी के जीवन को प्रभावित करने की शक्ति रखती हैं। मुझे यकीन है कि हम सभी कहानियों को सुनने में रुचि लेंगे दादी। अच्छी बात है बेटा, तो अब से हम इसी पेड़ के नीचे बैठकर भगवत गीता की कहानियां सुनाएंगे। ठीक है।